नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम और मैं हूं नफीसा खान और स्वागत करते हैं आपका हमारे खास शो अतीत के पन्नों से में। जी हां दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और उनकी पूजा करने से भक्तों को धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसके साथ साथ उनकी पूजा अर्चना करने से भय संकट और अगर संताप की बात करें तो ये भी दूर हो जाता है। जी हाँ, और ये भी कहा जाता है कि शक्ति की स्वरूप माँ कात्यायनी का जो भी सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अगर किसी की शादीशुदा जिंदगी में किसी भी तरह की कोई अड़चन आ रही हो या शादी ना हो रही हो तो उसको भी माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना ज़रूर करनी चाहिए। माँ कात्यायनी माँ दुर्गा का छठा स्वरूप है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। इनके बारे में कहा जाता है कि कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महिषासुर कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इसी कारण से ये कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के वहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ की पूजा का बहुत महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि माँ की पूजा मात्र से ही सभी कष्टों का निवारण हो जाता है और सभी कष्टों से निवारण के लिए पूजा विधि का सही होना भी बेहद जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि माँ की पूजा किस विधि और विधान से की जाती है। माँ कात्यायनी को लाल रंग बेहद पसंद है। उन्हें शहद का भोग लगाया जाता है। शहद खाकर वे बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ का सरल मंत्र माँ कात्यायनी नमः है। इनकी पूजा करने के लिए गौधुली बेला के समय पीले या लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। माता कात्यायनी को पीले पुष्प और पीले रंग के मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। देवी कात्यायनी को शहद अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। माँ के समक्ष दीपक जलाएं, इसके बाद 3 गांठ हल्दी की भी चढ़ाएं। माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप करें। इस प्रकार माँ कात्यायनी की पूजा का विधान है। माँ कात्यायनी को लाल रंग बेहद पसंद है, उन्हें शहद भी बहुत पसंद है, इसीलिए उन्हें शहद का भोग चढ़ाया जाता है। उनका मंत्र भी बेहद आसान है, माँ कात्यायनी नमः। जी हाँ, और माँ कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री भी हैं। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए गोपियों ने कात्यायनी माँ की पूजा अर्चना की थी। इसीलिए ये भी मान्यता है कि शादी की शुरुआत में अगर कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करता है तो उसके लिए काफ़ी उत्तम होता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी के इस स्वरूप की पूजा गृहस्थों और विवाह के इच्छुक लोगों के लिए बहुत ही फलदायी है। यदि वृषभ और तुला राशि के लोग माँ कात्यायनी की आराधना करें तो संपूर्ण समस्याओं का निवारण हो जाता है। दरअसल दोनों राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र विवाह और प्रेम के कारक हैं। माँ कात्यायनी की पूजा से शुक्र ग्रह की अनुकूलता भी प्राप्त होती है। माँ कात्यायनी शत्रुघ्नहता हैं, इसीलिए इनकी पूजा करने से शत्रु पराजित होते हैं और जीवन सुखमय बनता है। जबकि माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं का विवाह होता है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने कालिंदी यानी यमुना के तट पर माँ कात्यायनी की ही आराधना की थी। इसीलिए माँ कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी जानी जाती हैं।
नवरात्रि के छठे दिन भक्त का मन आग्नेय चक्र पर केंद्रित होना चाहिए। अगर भक्त खुद को पूरी तरह से माँ कात्यायनी को समर्पित कर दे तो माँ कात्यायनी उसे अपना असीम आशीर्वाद देती हैं। साथ ही अगर भक्त पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ कात्यायनी की पूजा करता है तो उसे बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रों के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि इनका जन्म ऋषि कात्यायन के घर पे हुआ था, इसीलिए इनका नाम भी कात्यायनी पड़ गया। माँ कात्यायनी फलदायिनी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर माँ की पूजा की जाए तो मनोवांछित परिणाम मिलते हैं। इस तरीके से माँ कात्यायनी सब दुखों का भी हरण करती है और कष्टों के निवारण के साथ साथ भविष्य को भी सुधारती है। माँ कात्यायनी की ये कथा आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त।